शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे खालू तुम तन्हा दुनिया से लड़ोगे, बच्चों सी बातें करते हो। वाह 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 वाह, क्या बात है जनाब, बहुत बॉस को शुक्रिया। तो ये थे चांदपुर के नवाब जनाब इफ्तिखार हुसैन साहब, और हम खड़े हैं माजिदाबाद के रेलवे स्टेशन पे, जहां मुल्क के बेहतर से बेहतरीन शायर जमा हो रहे हैं सालाना जलसे के लिए। ये जलसा माजिदाबाद की बेगम साहिबा अपने मरहूम नवाब की याद में ऑर्गेनाइज करवाती हैं। नवाब साहब की आखिरी ख्वाहिश थी कि बेगम निकाह ज़रूर करें, मगर सिर्फ किसी शायर के साथ। तो फिर क्या राज है कि पिछले 3 सालों में जगह जगह से नायाब किस्मों के शायर सुखनवर अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं और नाकामयाब हो के लौट जाते हैं? तो आइए आप और हम मिलकर ये दुआ मांगें कि इस साल के स्वयंवर में बेगम पारा को उनके नवाब मिल ही जाए। शेर देखो यूं कहा जाता पे मिश्रा लगा के नहीं लगा तवज्जो चाहूंगी ख्वातीनो हजरात। जी मैंने कहा तवज्जो चाहूंगी ख्वातीनो हजरात। हाँ साहब, सारी बातें आज ही कर लेंगे, आधा वर्ज है जी। इस खाकसार का नाम मुनीरा असलम जियाउल बानो है। नाम है जी खजाने का पता। थोड़े ही लम्हात में रश के माह बेगम पारा इस महफिल से रूबरू होने को है। चंद बातें जिनसे हर मर्द से गौर करने की गुजारिश है। बेगम से किसी भी किस्म के जिस्मानी लम्से परहेज करें और आँखों को ना तकने की हिदायत दें। बेगम कागजी हैं, कोई ज़्यादा देर देख ले तो नज़र लग जाती है, इसलिए ठंडी सांसें, गहरी आहें और खामोश फुगाएँ बेगम की मौजूदगी में गैर जायज है। तो हाजरीन, बेगम पारा। नवाब जी, माफी चाहते। नवाब चांदपुर, आदाब। आदाब। आपको पहले कहीं देखा है? याद आए कहां तो इतना जरूर कीजिएगा, हम भी ढूंढ रहे हैं कब से अपने आपको। नूर मोहम्मद इतालवी साहब कहाँ हैं? जी वो बेगम साहब, आप कानपुर तक तो थे, इतालवी साहब हमारे साथ
ट्रेन में हमने देखा था। इंतजारियों की फहरिस्त यूँ तो काफ़ी लंबी है, पर अब आखिरी वक्त पे किसी अच्छे शायर का मिलना ज़रा मुश्किल ही है। बेगम साहिबा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे जान भाई है ना, अरे ये तो बड़े बड़े शायरों की ऐसी की तैसी कर सकते हैं कंपटीशन में। नहीं नहीं ये मजाक कर रहा है। अरे मजाक तो आप कर रहे हैं जान भाई, अभी कल ही भाई ने क्या गजब का शेर कहा था। अरे अरे क्या शेर था लियाकत भाई, क्या शेर था? क्या शेर था वो? हाँ क्या शेर था? यहाँ पजामे की कीमत कम है, मुझे दारू में पानी कम दे। कर रहा है एमिली साहब, इरशाद इरशाद कुछ यूसा है कि यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं। यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे गिलास बढ़ा दे शराब कम कर दे। इतने हसीन शेर का मतलब भी इरशाद करें। हाँ साहब। अभी हुआ नहीं है, काम चल रहा है। फिर भी इरशाद कुछ यूं सा था कि क्या था कि अरे भाई कोई मिसरा उछालिए, चलिए। संवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे। वाह बहुत खूब। अब देखते हैं कौन कहता है सानी मिसरा। तो संवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे, गिरे पड़े हुए लफ्जों को मोहतरम कर दे। मतला क्यों नहीं दिया बे? सिर्फ शेर दिया, मतला क्यों नहीं दिया? अबे तुझसे पूछ रहा हूं। हुआ नहीं था तो क्या? हुआ नहीं था ना तो क्या पैदा कर देते? देख रहे हो नूर मोहम्मद दहलवी इटालवी, नूर मोहम्मद इटालवी। इटालवी ये कहाँ पे? इटली में। वो फोर्स वाला? हाँ हमारी अम्मी इटली से हैं। अब क्या बात है यार, मुबारक हो। और अच्छे तो देख भाई, नूर मोहम्मद इतालवी ऐसा है कि शाम तक हमें 20 नई गजलें चाहिए। 20 गजलें शाम वो भी ऐसी कि सुन के कलेजा मुंह को आ जाए, वरना तेरा भेजा तेरी जानों पे आ जाएगा। अंडरस्टैंड? कोई समझाए इनको कि 20 गजलें शाम तक कैसे होंगी? हम कंप्यूटर हैं क्या? बर्फ थोड़ी दे दीजिए। पहले हरफ फिर बर्फ। वाह 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 जा भाई, ये भी कमाल का मिसरा हो गया।